तो नवाब साहब, ये है दुबई। यहाँ पे आजकल काफी फिल्मों की शूटिंग चल रही। मैं यहाँ पे नहीं करूँगा सोचा था, मगर आपको तो मालूम है मैं सीक्रेट फिल्म बनाता ही नहीं। अगली फिल्म मैं बनाऊंगा शिकागो। अरे मेरी फिल्म शिकागो में कहीं को नहीं बनाया यार। अरे नवाब साहब, तुम्हारा बजट नहीं है ना जी उतना। खैर कोई बात नहीं, अगली फिल्म अपनी शिकागो में बनाएंगे। शिकागो में भी इससे बड़े बिल्डिंग है मियाँ? अमेरिका में इससे बड़े बड़े बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग अमेरिका के बिल्डिंगों के सामने काली की डिब्बियां हैं। अरे मियाँ, मेरे को आगे सुरंग दिख रहा। अरे मियाँ, आगे गाड़ी सुरंग में चले आ रही। मेरी फिल्म की शूटिंग ये सुरंग में भी करेंगे यारों? अरे करेंगे नवाब साहब करेंगे। मैं एक ऐसा सीन निकालूंगा ये सुरंग में जो आज तक कोई फिल्म में नहीं हुआ। ये सुरंग में से मैं हेलीकॉप्टर निकालूंगा नवाब साहब, हेलीकॉप्टर। मियाँ मैं वो हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ ना। शूटिंग में नहीं नवाब साहब, मैं फिल्म के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अलबत्ता शूटिंग हो गए बाद हम ना खुद आपको एक हेलीकॉप्टर में बिठा के स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। बॉस, मेरे को ये होटल बहुत जबरदस्त दिख रही। बोला ना जबरदस्त होटल है बोल के। अस्सलामुअलैकुम। वअस्सलाम। आई एम मज्जू फ्रॉम हैदराबाद। दिस मज्जू एंड नवाब, वी वॉन्ट टू दुबई में शूटिंग करने का है। होटल हो ना? होटल ना। रूम सोने के वास्ते? यस यस। क्या किराया है? यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश हाँ, आई स्पीक गुड इंग्लिश, वेरी गुड। रूम का किराया? 1000 दिरहम्स। उससे बड़ा है? इट्स वन वीक 1500। तीन लोग रह सकते? ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और क्या करना है? पासपोर्ट? पासपोर्ट है। जरा पूछ रहे भाई, मालों वालों को भी अंदर ला के पी भी सकते क्या बोल के पूछ। हाँ, मालों वालों को भी ला सकते क्या? अरे ना को रे भाई, अरे कुछ भी नहीं होता पूछ। हाँ ब्रदर। यस। दिस रूम? नो ला, दिस होटल फैमिली। ओके ओके, फॉर्म भर दो। चढ़ जा रहा हूँ। पैसे दो। मैं बोला मौके की नजाकत को देख के काम पहचान लेंगे अपन, मगर नहीं सुन रहा है। 30,000 US। ओके US डॉलर। अमेरिका के पैसे भाई। 1 2 3। नवा पट्टी घुरा सकते? या मोहम्मद, 1,00,000 इस रूम। रहने भाई रहने, हम लोग खुद चले आते। अरे मुझे बैग उठा रहे साले। इसकी टोपी मेरी टोपी वैसी दिख रही यारों। बहुत से चीजें मिलते हैं। السلام عليكم، كيف حالك محمد؟ تمام؟ شكرا لله الحمد لله. فين ده غرفة كبيرة؟ وايد غرفة. تبغى شوية كبيرة محمد وكويسين؟ في هذا سويت. خلاص طيب ما مشكلة. يا بوس، ये दोनों बैग मैं ही पकड़ूं। तेरा काम पकड़ना है, चुपचाप चल। एक दिन तेर को ही पकड़ा के चल दे तो बेटा थैर। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। ये चलो। अरे चाबी का सुराखी नहीं है ना मियाँ? सुराखा बंद हो गए नवाब साहब। कंप्यूटर का जमाना है नवाब साहब, कार्ड डालना पड़ता। क्या तरक्की कर ली मियाँ दुनिया? अब यहाँ से तुम्हारी भी तरक्की शुरू है समझो। हाँ क्या प्यारी होटल है मियाँ? आगे आगे आपको बहुत प्यारी चीजें देखने को मिलेंगे नवाब साहब। क्या बात है, क्या जबरदस्त बेडरूम है। यहाँ तो माला लाऊंगा इच मैं। तू यहीं बैठ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा मैं भी जरा फ्रेश होता ना बॉस। अरे तू पहली को पहली फ्रेश होता ना। अरे आज पहली तारीख नहीं है, मैं जाके आता हूँ, तू जरा नवाब साहब का ख्याल रख। ओके। मजा आ गया भाई। तंदुरुस्ती की ला 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 ला। अब मैं जाता हूँ या पानी नहाने। मैं जा रहा हूँ अब तो नहाने। जाओ ना सब फ्रेश हो जाओ। पानी है नहीं है नहाने धोने को मेरे को? अरे नहाने को भी है धोने को भी है नवाब साहब, यहाँ 24 घंटे पानी आता। जाओ। 4 किलो मैल निकला बाप। ये टावल है दस्ती है, मेरे को भी तुम लोग के जैसे कपड़े होना। सुबह मैनेजर को बोल के मंगा देंगे नवाब साहब, ऐसी सो जाओ। मेरा तकिया कहाँ है? कुछ भी खास नहीं आ रहा है टीवी पे। सोनिया डार्लिंग। अरे अज्जू, अज्जू सोनिया सोनिया बोल रहा रे भाई। अरे अज्जू सोनिया सोनिया बोल रहा रे भाई ने। मैं नहीं सो सकता रे इसके बाद। नवाब साहब उसको नींद में बात करने की आदत है भाई, सो लो कुछ नहीं करता। आई लव यू लुलु लुलु। हटा। नो बिपाशा, नो मलिका प्लीज। मलिका
नवाब साहब नीचे क्या कर रहे थे? तू निकल देगा? मुझे कुछ करा क्या? क्या नवाब साहब, रात को होटल में तमाशा कर दिया? ऊपर से ने ऐसा गिरा मेरे पे, मैं समझा कि बहुत तपा हुआ है। नवाब साहब, अपनी फिल्म का आइटम सॉन्ग यहाँ पे शूट होगा। चार आइटम आ, ऐसे आइटम आ, चारों के जिस्म पे पूरी मट्ठी लगी हुई है और नागिन डांस रहेगा उसके। देखो नवाब साहब, बॉस क्या बता रहे शूटिंग का। और वहां से कैमरा देखो, जरा बोट में से लेके सीधा हेलीकॉप्टर से मारूंगा यहाँ पे। मारते लड़कियों का जिस्म वो धूप और उस पे वो लोग भाग रहे स्लो मोशन में। ये क्या सोबर चीज बैठी हुई है यार बेंच पे। अगर लाइफ में ऐसी लड़की आ जाए तो मजा आ जाएगा, मगर अपने को पटती की नहीं पटती की। ट्राई तो करेंगे, मगर इसके सामने थोड़ा स्टाइल चेंज करके बात करना पड़ेगा। हाय, मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। अरे इंडिया से? मैं भी इंडिया से, मुज्जू फ्रॉम हैदराबाद। निशा फ्रॉम मुंबई। आपने मुझे नहीं पहचाना? क्यों, आप कोई शाहरुख खान या ऋतिक रोशन है जो मैं आपको पहचानूं? शाहरुख ऋतिक तो रही, मगर लोग कहते हैं कि मैं राजेश खन्ना लगता हूँ। अगर राजेश खन्ना ने ये बात सुन ली ना, तो वो अभी इस समंदर में कूद के अपनी जान दे देगा। अच्छा, दो दिन पहले आप एयरपोर्ट पर आई, आपका सामान बेल्ट पर गोल गोल घूम रहा था। सबका सामान एयरपोर्ट पे गोल गोल बेल्ट के ऊपर ही घूमता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। मगर वो वजनदार बैग जो मैंने आपको उठा कर दिया। दिया होगा, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, आप यहाँ शूटिंग के लिए आई हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। नहीं, मैं इसीलिए पूछा क्योंकि आप हीरोइन मटेरियल लगती हो। पागल। अच्छा, और एक बात पूछूं क्या? क्यों, मैं मना करूंगी तो नहीं पूछोगे? नहीं, फिर भी पूछूंगा। पूछो। एयरपोर्ट का तो भूल गई, आज हम बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, सोचो हम कल मिले। अगर मिले तो ये भी भूल जाओगी? Who knows, maybe। और वैसे भी आज मेरे जॉब का पहला दिन है और मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहती। बाय। एक सेकंड। अब क्या है? ये आपके रोज का अड्डा है? अड्डा? मेरा मतलब स्पॉट। आप यहीं आके बैठती हैं रोज? यहीं पास में मेरा फ्लैट है और मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। और कुछ कि अब मैं जाऊँ? जाओ। क्या मस्त चीज हाथ को लगी यारो, पलटी तो पटी, पलटी 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 पल, बैगन भी नहीं पलटी। कल फिर आना पड़ेगा नवाब और डाकू को हाथ दे दे के फील्डिंग करने के वास्ते।